हाय फ्रेंड्स, राधे की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेके आ गई हूँ सत्तू के लड्डू की रेसिपी। वैसे तो सत्तू के लड्डू राजस्थान में तीज के मौके पे बनाए जाते हैं, लेकिन आप इसे कभी भी बना सकते हैं। खाने में बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है गरम होने के लिए और यहाँ मैंने ये एक कप घी लिया है, देसी घी लिया है मैंने। तो मैं यहाँ पूरा नहीं डाल रही हूँ, पहले थोड़ा सा डालते हैं, उसके बाद फिर जितनी ज़रूरत होगी फिर हम डालेंगे। तो घी हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें 2 कप सत्तू डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे हम लगातार चलाते हुए भुनेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, क्योंकि सत्तू भुने हुए चने से बनता है और वो पहले से ही भुना हुआ होता है, तो इसलिए उसको ज़्यादा नहीं भूनना है, उसको हम 5-7 मिनट तक ही भुनेंगे। और फ्लेम हमारा मीडियम ही रहेगा, लो टू मीडियम, हाई फ्लेम पे उसको नहीं भुनेंगे। तो जिसको सत्तू नहीं मिलता है तो वो भुना हुआ जो चना मिलता है ना, उसको भी पीस के उसका पाउडर बना के भी लड्डू बना सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ इसमें। घी हमको इसमें इतना डालना है कि सत्तू जो है ना वो एकदम घी में एकदम गीला हो, इतना हमको उसमें घी डालना है, ऐसा हमको चाहिए। तो ये सत्तू मेरा भुन गया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और यहाँ मैंने ये लिया है थोड़ा सा काजू, बादाम और पिस्ता, मैंने उसको हल्का दरदरा सा मिक्सी में पीस लिया है, आप इसको काट के भी इसमें डाल सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पे 1/2 कप मिल्क पाउडर लिया है, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और इसको मैं लगातार चलाते हुए एकदम अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिल्क पाउडर डालने से इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही बढ़िया आता है, आप लोग एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, मिल्क पाउडर डाल के बहुत अच्छा लगता है। और ये रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है, कोई ख़ास टाइम भी नहीं लगता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, तो एक बार बनाना तो बनता ही है। तो यहाँ मैंने लिया है जैगरी पाउडर, 1 कप से थोड़ा सा कम है ये, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मीठा ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको चीनी में भी बना सकते हैं, आप चीनी को हल्का सा मिक्सी में पीस लीजिए, उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने इसमें डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। और यहाँ पे जब भी हम चीनी या गुड़ कुछ भी डालेंगे तो हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है इसको, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ मैंने इसको प्लेट में निकाल दिया है, अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे हल्का सा। और ये देखिए यहाँ पे ये हल्का ठंडा हो गया है, बहुत ठंडा भी नहीं करना है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, उसी को मैं हाथ में लगा के तब इस तरह से इसका लड्डू बनाऊँगी। तो ये देखिए इस तरह से हम अपने लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो ऐसे ही हम सारे लड्डू बना के अपने तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लड्डू बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, आप लोग एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इसको आप किसी भी तीज त्यौहार में बना सकते हैं या फिर आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप फटाफट बना के आप खिला सकते हैं। तो यहाँ मेरे लड्डू बन के एकदम तैयार हैं, देखिए कितने बढ़िया लड्डू बने हैं। आप एक बार बना के टेस्ट करेंगे तो आपको इसका टेस्ट पता चलेगा, बहुत ही बढ़िया लड्डू बनते हैं। तो आप लोग भी अगर ज़रूर ट्राई कीजिए और रेसिपी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बगल में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।